सब्जाजार के इलाके में चोर ने बैंक की एटीएम मशीन तोड़ डाली। मुलजिम आमिर एटीएम मशीन का लॉक तोड़कर रकम निकाल रहा था। डॉल्फिन अहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचा लिया। जी हां, आपको बताएं कि डॉल्फिन टीम के पहुंचने से पहले मुलजिम मशीन का मेन लॉक तोड़ चुका था। आपको बताएं कि तर्जुमान डॉल्फिन की जानिब से बताया गया है कि मुलजिम के कब्जे से मुख्तलिफ आलात और टूल्स भी बरामद कर लिए गए हैं, जबकि मुलजिम आमिर रिकॉर्ड याफ्ता निकला, थाना सब्जाजार के हवाले कर दिया गया है। सब्जाजार के इलाके में चोर ने बैंक की एटीएम मशीन तोड़ डाली। उसकी लूटने की कोशिश थी, जो कि डॉल्फिन पुलिस स्क्वाड ने नाकाम बना दी। मुलजिम आमिर एटीएम मशीन का लॉक तोड़कर रकम निकाल रहा था। डॉल्फिन अहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचा लिया। डॉल्फिन टीम के पहुँचने से पहले ही मुलजिम मशीन का मेन लॉक तोड़ चुका था। तर्जुमान डॉल्फिन की जानिब से कहा गया है कि मुलजिम के कब्जे से मुख्तलिफ आलात और टूल्स बरामद किए गए हैं और मुलजिम आमिर इलावाजी रिकॉर्ड याफ्ता भी था। उसको थाना सब्जाजार के हवाले कर दिया गया है। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। हसन खालिद, इस हवाले से भी आगाह कीजिए। जी हाँ, ये सब्जाजार का इलाका है जहाँ पर ये आमिर नामी मुलजिम है, ये एटीएम मशीन का ताला तोड़कर उसमें से रकम निकाल रहा था कि इस दौरान पुलिस को इत्तला मिली कि मुलजिम जो है वो निजी बैंक की एटीएम मशीन तोड़कर चोरी की वारदात कर रहा है। और डॉल्फिन टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया है और मुलजिम के कब्जे से आलात और दीगर जो टूल्स थे वो बरामद कर लिए गए हैं। जबकि पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम आमिर रिकॉर्ड याफ्ता है, इसे कबल भी मुतअद्दिद डकैती और चोरी की वारदातों में पुलिस को मतलूब था, जिसको थाना सब्जाजार के हवाले करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी जी हसन खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। को बताएं, शहर में पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाली धाती डोर लेस्को के ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए खतरा बन गई। लेस्को ने खसूसी टीमें बनाकर जुम्मे से अतवार के पेट्रोलिंग करने के अहकामात जारी कर दिए। हमारे साथ शाहिद नदीम सिप्रा मौजूद है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा, बताइए किस तरह से ये डोर जो है खतरनाक है और पेट्रोलिंग कब शुरू की जाएगी? जी बिल्कुल, ये शहर में होने वाली पतंगबाजी के दौरान धाती डोर का जो इस्तेमाल है वो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए खतरा बनता जा रहा है। और मुख्य इलाकों में जो ग्रिड स्टेशन हैं उनमें स्पार्किंग होना या उनको बड़े नुकसान का बायस बन सकती है, जिसके बाद लेस्को ने मुतअद्दिद बार मुतलका थानों में FIR भी दर्ज करवाई हैं, लेकिन पतंगबाजी का सिलसिला चूंकि रुक नहीं रहा तो अब लेस्को ने अपनी मदद आप के तहत मुख्तलिफ खसूसी टीमें जो हैं वो तश्कील दी हैं ताकि जहाँ पर पतंगबाजी हो और वहाँ पेट्रोलिंग की जाए, और इस पेट्रोलिंग के दौरान ना सिर्फ पतंगबाजी करने वाले अफराद की निशानदेही की जाए बल्कि उसके साथ मौके पर ही पुलिस को बुलाया जाए और उनको गिरफ्तार करवाया जाए ताकि जो सरकारी इमलाक हैं इनको बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। इसके साथ XENGSO जो कि इसकी निगरानी कर रहे हैं मलिक अशफाक का ये कहना है कि पुलिस उनके लिए मददगार साबित होती है, लेकिन शहरियों से अपील है कि क्योंकि अरबों रुपए की ये इमलाक हैं तो ये बड़े किसी भी नुकसान का बायस बन सकते हैं, क्योंकि माजी में कान्हा ग्रिड स्टेशन में भी धाती डोर गिरने की वजह से बड़ा नुकसान हुआ था और उस ग्रिड स्टेशन को आग लग गई थी। इसलिए अब उनसे गुजारिन से और शहरियों से गुजारिश की जा रही है कि वो पतंगबाजी ना करें, अगर ना बाज आए तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे और उनको पुलिस के हवाले किया जाएगा। जी जी शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। मारूफ सनतकार SM मुनीर मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब। तकरीब का इनेकाद मरहूम की रिहायशगाह दीन फैमिली हाउस वेस्ट कैनाल पर किया गया। मारूफ सनतकारों कारोबारी शख्सियात की ताज़ियत के लिए आमद जारी। ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज की दीन हाउस आमद लवाहिकीन से ताज़ियत की। सीनियर सूबाई वजीर मियाँ असलम इकबाल की दुआया तकरीब में शिरकत। चेयरमैन सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने भी शिरकत की, जबकि साबिक 9th सदर लाहौर चैम्बर मियाँ जाहिद जावेद ने भी शिरकत की। MPA सैफुल मलूक रहमान अजीज चंद की भी शिरकत। SM तनवीर, SM इमरान, SM नसीर की शिरकत। SM जावेद, SM परवेज, SM तारिक अमीर इरफान की शिरकत। SM तैयब, इरफान मुनीर और मारूफ जावेद इकबाल ने भी शिरकत की। जी हाँ, आपको बताएं कि मारूफ सनतकार SM मुनीर मरहूम के एसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब रखी गई। तकरीब का इनेकाद मरहूम की रिहाइश का दीन फैमिली हाउस वेस्ट कैनाल पर किया गया। मारूफ सनतकारों कारोबारी शख्सियात की ताज़ियत के लिए आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज की दीन हाउस में आमद लवाहिकीन से ताज़ियत की। सीनियर सूबाई वजीर मियाँ असलम इकबाल की दुआया तकरीब में शिरकत। चेयरमैन सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुलरहमान की शिरकत।
साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर मियाँ जाहिद जावेद की भी शिरकत हुई। एम पी ए सैफुल मलूक खोखर रहमान अजीज चंद की भी शिरकत हुई है। एस एम तनवीर, एस एम इमरान, एस एम तनसीर ने भी शिरकत की है। एस एम जावेद, एस एम परवेज, एस एम तारिक, अमीर इरफान ने भी शिरकत की है। जबकि आपको बताएं कि एस एम तैयब, इरफान मुनीर भी शरीक हुए हैं। मारूफ कार्टूनिस्ट जावेद इकबाल ने भी वहां पर शिरकत की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर की कालेझड़ गांव आमद हुई। सैफुल मलूक खोखर ने मियां आरिफ की अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। मज़ीद अपडेट जान लेते हैं इस हवाले से उमर असलम से। जी उमर असलम, कालेजड़ गांव में मौजूद हूं जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर ने मियां आरिफ लीगी कारकुन से उनकी अहलिया के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। फातिहा खानी की इस हवाले से बात करेंगे सैफुल मलूक खोखर से। खोखर साहब, कारकुनान की गमी में हमेशा आप शिरकत करते हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाजी आरिफ बहुत नेक आदमी था, उसकी वफात हो चुकी है, अब उसकी अहलिया की वफात हुई है। बहुत बड़ा ख़ानदान है, शुरू से मुस्लिम लीगी हैं और मैं उनके हज़ार अफसोस के लिए शामिल हुआ हूँ। हमारे एम एम मोहम्मद वाशी वर्करों का और हमारे सियासी आदमियों का, जो बेसिक वाकई सियासी आदमी हैं, वो उसको जब देखोगे वो गलियों में होंगे, गमी खुशी में होंगे। ये कोई पीटी थोड़ी है जो किसी के, जब इनको लाया गया तो अब मेरे ख्याल उसी तरीके से जा भी रहे हैं, चले ही गए हैं। इमरान खान कह रहे थे पंजाब असेंबली को तहलील कर देंगे, आप भी रुकने सूबाई असेंबली भी हैं, क्या कहेंगे? और ये जो अरकान असेंबली सस्पेंड हुआ, ये सारे तमाशे लगाता है, ये कभी इसका कोई वादा पूरा हुआ है? ये सारे ड्रामे हैं, ये कहाँ छुपेगा? ये इसके ने घोंसला बना हुआ है पंजाब, जो पंजाब है ये पंजाब असेंबली अगर तहलील करता है कहाँ रहेगा? इसने गिरफ्तार हो जाना है, ये गिरफ्तारी से बचने के लिए इसने दोनों असेंबलियाँ इन्होंने तहलील नहीं करनी। ये जितना ड्रामा हो रहा है ये अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई। उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि टेक्स सोसाइटी हेड ऑफिस में सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने की तकरीब मुनक्किद हुई। टेक्स सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फर इकबाल चीमा ने मेंबरान को तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी। टेक्स सोसाइटी हेड ऑफिस में सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने की तकरीब मुनक्किद हुई। सदर टेक्स सोसाइटी शेख मोहम्मद सलीम अहसन की जानिब से टेक्स सोसाइटी सालाना रिपोर्ट 2021-22 पेश की गई। इस मौके पर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फर इकबाल चीमा ने मेंबरान को तरक्याती कामों बारे ब्रीफिंग दी। इस मौके पर नायब सदर मियां मोहम्मद जमील, सेक्रेटरी फाइनेंस महमूदुर रहमान चौगताई, टेक क्लब कन्वीनियर अदनान हुसैन मलिक समेत दीगर मेंबरान शरीक हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद आपको बताएं, शहर में पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाली धाती डोर लेस्को के ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए ख़तरा बन गई। लेस्को ने खसूसी टीमें बनाकर जुम्मे से अतवार के पेट्रोलिंग करने के अहकाम जारी कर दिए। हमारे साथ शाहिद नदीम सिप्रा मौजूद है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा, बताइए किस तरह से ये डोर जो है ख़तरनाक है और पेट्रोलिंग कब शुरू की जाएगी? जी बिल्कुल, ये शहर में होने वाली पतंगबाजी के दौरान दाती दौर का जो इस्तेमाल है वो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए खतरा बनता जा रहा है। और मुख्तलिफ इलाकों में जो ग्रिड स्टेशन हैं उनमें स्पार्किंग होना या उनको बड़े नुकसान का बायस बन सकती है, जिसके बाद लेस्को ने मुतअद्दिद बार मुतलका थानों में FIR भी दर्ज करवाई हैं, लेकिन पतंगबाजी का सिलसिला चूंकि रुक नहीं रहा तो अब लेस्को ने अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ खसूसी टीमें जो है वो तश्कील दी हैं ताकि जहाँ पर पतंगबाजी हो और वहाँ पेट्रोलिंग की जाए, और इस पेट्रोलिंग के दौरान ना सिर्फ पतंगबाजी करने वाले अफराद की निशानदेही की जाए बल्कि उसके साथ मौके पर ही पुलिस को बुलाया जाए और उनको गिरफ्तार करवाया जाए ताकि जो सरकारी इमलाक हैं इनको बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। इसके साथ एक्सलियन GSO जो कि इसकी निगरानी कर रहे हैं मलिक इशफाक का ये कहना है कि पुलिस उनके लिए मददगार साबित होती है, लेकिन शहरियों से अपील है कि चूंकि अरबों रुपए की ये इमलाक हैं तो ये बड़े किसी भी नुकसान का बायस बन सकते हैं, क्योंकि माजी में कान्हा ग्रिड स्टेशन में भी धाती डोर गिरने की वजह से बड़ा नुकसान हुआ था और उस ग्रिड स्टेशन को आग लग गई थी। इसलिए अब उनसे गुजारिन से और शहरियों से गुजारिश की जा रही है कि वो पतंगबाजी ना करें, अगर ना बाज आए तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे और उनको पुलिस के हवाले किया जाएगा। जी शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी।